आमंत्रित करूंगा भाई राजदीप। पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय अशोक जी अरोड़ा है। कल अपना अर्ध नगर होके, क्योंकि कोई आपकी दुख तकलीफ क्या है, उन्होंने कल हार के अर्ध नगर अपना प्रदर्शन करने का आदरणीय अभय सिंह जी अशोक अरोड़ा जी बताएंगे। मैं तो पुनः आप लोगों का प्रदेश के संयोजक चौधरी कुंड सिंह जी डाबड़ा आए और उनसे इस पार्टी के लोगों को अपना चेहरा साफ करना चाहिए और जाके कहना चाहिए कल सोनिया गांधी को कि हरियाणा के हिस्से का ये पानी कांग्रेस के रोकने के लिए आशीर्वाद देते, इनको पार्टी से निकाल देते तो मान लेते इंदिरा गांधी न्याय बनाने के पक्ष में थी। सुप्रीम कोर्ट में क्या स्टेटस है, एकमत हो तो फिर हमें केवल और केवल अब राजनीतिक दबाव बनाने की जरूरत है। कोर्टों की लड़ाई वकीलों ने लड़नी है, ना आपने लड़नी, ना मैंने लड़नी, ना इन्होंने लड़नी कि अगर प्रधानमंत्री ने हामी नहीं भरी तो फिर हम 23 फरवरी को नहर स्वयं खोद करके लाएंगे, चाहे उसके लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी भी देनी पड़े तो उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। नाम तो लिया राहुल गांधी के साथ जोड़ने का कि जो जिन्होंने 2G स्कैम कर दिया, जिन्होंने कोल घोटाले कर दिए, जो हजारों करोड़ इस देश का डकार गए, आज वो 4-4 हजार रुपए के लिए लाइन में लग करके खड़े हो। ये बात जब वो कह रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े राजी हो रहे थे, लेकिन जब प्रधानमंत्री को लगा कि तेरी कई भी बात कहीं ना कहीं गरीब आदमी के जाकर के चुभी और लगी है, अगले दिन इस देश के प्रधानमंत्री ने अपने 85-86 साल की वृद्ध माता को, 94 साल की उस वृद्ध माता को भी लाइन में ले जा करके खड़ा कर दिया। क्या उनकी माता भी कोई घोटाले में शामिल थी क्या? आपकी जेब से 500-500 रुपए बीमे के नाम पे ले लिए, किसी एक से पूछा नहीं गया कि तेरे खेत में कौन सी फसल है, तू बीमा कराना चाहता है कि नहीं कराना चाहता। ठीक ही फसल थी तो उसके नमी के नाम पे जहाँ 1510 रुपए मिनिमम स्पोर्ट प्राइस रखा हुआ था, उसको 1250 पे बेचने पे मजबूर कर दिया। अब देखते हैं 2 दिन में 3 दिन में सरकार की नीयत अगर ठीक होगी, सरकार की नीयत में कहीं कोई खोट नहीं होगा, प्रदेश के इस SYL के पानी के लिए कहीं सरकार इस बात के लिए सीरियस होगी कि हमें वो पानी मिलना चाहिए, तो फिर मैं ये मान करके चलता हूँ कि वो जल्दी समय भी लेंगे और इसके लिए अपनी अपनी पार्टी के नेताओं से, चाहे वो कांग्रेस के लोग हैं चाहे वो BJP के लोग हैं, वो ये ज़रूर कहेंगे कि जिस तरह से पंजाब की भाजपा और कांग्रेस विरोध कर रही है उनके खिलाफ़ भी आपको बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ये मामला कोई राजनीतिक नहीं है, ये कोई राजनीतिक पार्टी का नहीं है, ये नेशनल इशू है। अगर हरियाणा प्रदेश के साथ आज कहीं राजनीतिक दृष्टि से हरियाणा के लोगों की अनदेखी राजनीतिक तौर पर कांग्रेस और भाजपा करेगी तो फिर कहते ना कि देश का विभाजन कैसे होता है। देश का विभाजन केवल और केवल किसी भी मुल्क में आज तक हुआ है तो वहाँ के राजनीतिक लोगों के गलत फैसलों की वजह से। किस तरह से मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं कोर्ट का बहाना लेकर के इस बात पे टलना चाहते थे कि हम प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से, आज रिटायर्ड टीचर जो लगाया जाएगा उसको क्या पता है नया युग क्या है। आज तो नए युग की बात है, आज जिसने आज से 20 साल पहले 15 साल पहले 10 साल पहले जो रिटायर हो गया वो तो केवल और केवल कायदा पढ़ाना जानता था, उस टीचर को इस बात का ज्ञान कहीं नहीं था कि आज कंप्यूटर का ज़माना है।